काफ़ी एक्टर के कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट हो जाते हैं, आप कह सकते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए अमर हो जाते हैं। जैसे किशन बेल के ऊपर अगर देखा जाए तो ब्रूस वेन का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हिट रहा था और वो आज भी उतना याद किया जाता है। जॉनी डेप का कैप्टन जैक स्पैरो का कैरेक्टर सदाबहार है, एवरग्रीन, और वैसे ही टॉम क्रूज का ईथन हंट का कैरेक्टर मिशन पॉसिबल में वो भी एवरग्रीन है। और यही बात है जो हमें हुक करके रखती है एज अ ऑडियंस कि हम इनकी मूवी जब भी आए उस सीरीज़ की खासकर हम हमेशा देखें। वैसे ही मिशन पॉसिबल 7 का जो ट्रेलर आया है वो उतना ही ज़्यादा हम लोगों को एक्साइट कर रहा है कि कब ये मूवी आएगी और हम इस मूवी को देखेंगे। इस मूवी के ट्रेलर में हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली वो यही दिखा रहा है कि कुछ इसमें ऐसे सस्पेंस है, कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर दाव लगा हुआ है जिसको ईथन हंट बचाने की कोशिश कर रहा है, एंड वो और उसकी पूरी टीम पूरी जी जान से कोशिश कर रही है कि उस चीज़ को रोका जाए। ये सेम लाइक पहले की तरह की मूवीज़ और पहले की मिशन पॉसिबल की तरह है, लेकिन इस बार हमें कुछ नया देखने को मिल सकता है। और हमेशा की तरह टॉम क्रूज का जो एक्शन सीक्वेंस रहता है वो खुद करते हैं, यही बात है वो इस मूवी को ऑथेंटिक बनाती है। जब ये मूवी रिलीज़ होगी हम इसके ऊपर पूरा रिव्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।